गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11 एलजेब्रा। प्रीवियस 3-4 लेक्चर से हम ये लेसन स्टडी कर रहे हैं, जहां हमें वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं, हमें इक्वेशंस बनाने होते हैं। ओके, तो ये टॉपिक ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ा और डिटेल में आ रहा है। तो दैट मीन्स ये टॉपिक एकदम न्यू नहीं है हमारे लिए, हम ये टॉपिक से फेमिलियर हैं। प्रीवियस पीरियड में हमने 11.3 के वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, जिसमें हमें एज सपोज करनी होती थी, फिर उससे हमें एक्सप्रेशंस मतलब कि इक्वेशंस बनाने होते थे। ओके, तो अब वही वर्ड प्रॉब्लम में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 11.4 उसका बी नंबर, द लेंथ ऑफ आवर रेक्टेंगुलर The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. Okay? यहाँ पर हमें breadth दी हुई है b meter और उसमें जो conditions दी गई है उसको complete fulfill करके हमें किसका length के लिए equation बनाना है. Okay? तो breadth is b meter. Okay? ब्रेथ ऑलरेडी बी दी हुई है, अब लेंथ के लिए हमें इक्वेशन बनाना है. ओके, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी मीटर. तो लेंथ के लिए हमें क्या कंडीशंस दी गई है कि 4 मीटर लेस बराबर बी ब्रेथ में से 4 मीटर लेस और 3 टाइम द ब्रेथ, 3 टाइम देखो 3 टाइम्स ब्रेथ मींस 3b. ओके, 3 टाइम्स ब्रेथ मींस 3b और 4 मीटर लेस, 4 मीटर लेस देयरफॉर दैट मींस वी हैव टू माइनस 4 फ्रॉम 3 इनटू b. ओके, फिर से देख लेते हैं. द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meter? Here we have already given breadth. The breadth is b meter और उसमें हमें changes करके length के लिए expression बनाना है. तो condition क्या है length की, कि जो length है वो breadth से 3 times है और 4 less है. 3 times means 3 into b, 3b. और 4 लेस दैट मींस 3 माइनस बी, सो हमारा इक्वेशन हुआ 3 इंटू बी माइनस 4. ओके, ये लेंथ के लिए इक्वेशन हुआ और ब्रेथ के लिए ओनली बी हमको दिया हुआ है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट नंबर.
रेक्टेंगुलर बुक, एक रेक्टेंगल बुक के लिए हमें बताया गया है. और रेक्टेंगुलर बुक हैज वेट एच, बुक का वेट है एच सेंटीमीटर. ओके, रेक्टेंगुलर बुक हैज वेट एच सेंटीमीटर. अब हमें उसकी हाइट दी है, इट्स लेंथ. लेंथ के लिए क्या कहा गया कि 5 times the height and breadth is 10 centimeter. तो लेंथ कितनी है, 5 times है. ओके, तो हमें हाइट दी थी एच सेंटीमीटर, उसका 5 times हुआ 5 into h. ओके, तो लेंथ कितनी हुई, 5 into h. हमें यहाँ लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन फाइंड करना है. और हमें कंडीशन दी है कि बुक का जो वेट है, बुक का शेप है रेक्टेंगल और उसका वेट है एच सेंटीमीटर. तो इट्स लेंथ इज, अब लेंथ के लिए क्या कंडीशन दी है कि जो लेंथ है वो 5 times द हाइट. तो एल क्या है, 5 into h, 5h हुआ. ओके, और यूनिट क्या आएगा यहाँ पर, सेंटीमीटर का यूनिट आएगा. ठीक है, अब हमें उसकी ब्रेथ फाइंड करनी है. तो ब्रेथ के लिए क्या कंडीशन दी है, ब्रेथ इज 10 centimeter लेस देन द लेंथ. तो लेंथ कितनी है, 5h से 10 centimeter लेस है. तो ब्रेथ के लिए हमारा क्या एक्सप्रेशन बना, 5h माइनस 10 centimeter. ओके, बहुत ही एकदम इजी है. आज जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, उतना बड़ा आंसर भी नहीं है. आंसर क्वेश्चन में से हमें चूज करके सिर्फ इक्वेशंस बना रहे हैं. ओके, सिर्फ कंडीशन फुलफिल करनी कि ये डबल है, ये माइनस है, ये 4 times है, ये 3 times है. ओके, तो रेक्टेंगुलर बुक हैज वेट एच सेंटीमीटर. तो बुक का वेट है एच सेंटीमीटर, इट्स लेंथ. लेंथ और ब्रेथ के लिए हमने एल और डी ले लिया. ओके, तो लेंथ के लिए क्या कंडीशन है कि उसकी लेंथ कितनी है, 5 times द हाइट. हाइट से 5 times, तो हाइट कितनी थी एच सेंटीमीटर, उसका 5 times कितना हुआ, 5 into h सेंटीमीटर. ओके, तो लेंथ का इक्वेशन बन गया. अब हमें ब्रेथ के लिए क्या कंडीशन दी है कि ब्रेथ इज 10 centimeter लेस देन द लेंथ. तो लेंथ कितनी थी हमारी, 5 into h, उससे 10 centimeter लेस, मतलब माइनस 10 centimeter. तो यहाँ देखो, रेक्टेंगल बुक वेट इज h सेंटीमीटर, लेंथ इज इक्वल टू 5h सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5h माइनस 10 centimeter. ओके, अब नेक्स्ट सम करेंगे हम. बहुत इजी है, हमें इसमें से सिर्फ इक्वेशन ही बनाना है. नाउ नेक्स्ट नंबर डी, क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आंसर छोटे छोटे. Thank you.
मीना बीना एंड लीना, ओके। यहाँ पर तीन नाम हमको दिए हुए हैं, मीना बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। वो हिल टॉप पर चढ़ रही है, स्टेप्स चढ़ रही है, ओके। मीना इज एट स्टेप एस, मीना एस स्टेप पर है। बीना इज एट स्टेप अहेड, बीना है वो मीना से आठ स्टेप आगे है। एंड लीना सेवन स्टेप्स बिहाइंड, और लीना सेवन स्टेप्स पीछे है। वेयर आर बीना एंड लीना, ओके। तो ये दोनों के कहाँ पर पहुँचे हैं ये दोनों, वो हमें बताना है। तो द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10, लेस देन 4 टाइम्स व्हाट इज मीना हैज रीच्ड, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ यूजिंग स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तीन नाम है उसके लिए हम सपोज कर लेंगे कि वो कितने स्टेप्स कहाँ पर है। तो तीन नाम दिए हैं यहाँ पर, मीना बीना एंड लीना, ओके। यहाँ स्टेप्स के लिए हमें एस लेना है, ओके। तो स्टेप्स के लिए हमें एस सपोज करना है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो एस के अंदर होंगे, ठीक है। कि ये लेस हो गए तो माइनस करेंगे, प्लस हो गए तो आगे है तो प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है मीना एस स्टेप पर है, ओके। तो मीना के लिए एस लिख दिया। अब जो बीना है वो मीना से आठ स्टेप आगे है, तो क्या करेंगे हम, एस प्लस एट करेंगे। मीना जो भी स्टेप पर है, सॉरी हाँ, मीना जो भी स्टेप पर है मीना उससे आठ स्टेप्स आगे है, और लीना है वो सेवन स्टेप्स बिहाइंड है, सेवन स्टेप्स पीछे है, ओके। तो क्या करेंगे, एस माइनस सेवन। अब हमें आगे क्या कहा है कि द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स, 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। तो मीना कहाँ पर पहुंची हुई होगी, ठीक है। हमें यहाँ किसके लिए बताना है, बीना और मीना के लिए। तो बीना के लिए हमने बताया एस प्लस एट, और लीना और मीना के लिए, सॉरी ये क्या नाम दोनों हो जाते, वेयर आर बीना एंड मीना, या मीना ही है ना, हाँ बराबर है, ओके। तो इस तरह से इक्वेशंस इसके बनेंगे। और टोटल स्टेप्स के लिए क्या कहा है कि नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स, तो एस तो है, अब एस के लिए क्या कंडीशन है, 4 टाइम्स मतलब 4s और लेस देन 10, 4s माइनस 10, ओके। बहुत ही सिंपल सम है, स्टेप के लिए एस सपोज करना है। अगर कोई 10 स्टेप आगे हैं तो एस प्लस 10 करना है, यहाँ हमें 8 स्टेप आगे कहा है तो एस प्लस 8। फिर दूसरी गर्ल उससे 7 स्टेप पीछे है तो एस माइनस 7 करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सम कर लेंगे हम, अब है ई नंबर का सम। अब बस ट्रैवल एट
A bus travel at 5 km per distance. 5 km per hour. मतलब उसकी एवरेज है 5 किलोमीटर. ओके, एक आवर में वो 5 किलोमीटर बस चलती है. इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर. दासपुर से बीसपुर बस जा रही है. आफ्टर द बस हैज ट्रैवल 8 आवर्स. 8 घंटे बस चलने के बाद बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे. बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है. What is the distance from Daspur to Bispur? Express it using why. तो हमें बीसपुर से सॉरी दासपुर से बीसपुर कितने किलोमीटर डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है. फाइंड मतलब हमें उसको इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है. ओके, तो बस यहाँ पर वाई किलोमीटर चलती है. अब वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है. अब बस स्टार्ट हो गए दासपुर से बीसपुर जाने के लिए. 8 घंटे बस चली. ओके, और 8 घंटे बस चली फिर जहाँ पर रुकी तो उसके बाद अभी जो बीसपुर है वो 20 किलोमीटर अवे है. तो इसके लिए हम क्या इक्वेशन बनाएंगे. सॉरी, यहाँ 5 आवर्स आते हैं. ओके, बस ट्रेवल्ड 5 आवर्स, therefore 5 into 1. ओके, बस ट्रैवल 5 आवर्स, 5 घंटे चली तो 5 into 1. अब क्या है, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे. तो क्या इक्वेशन बनेगा, 5y-20. ओके, 5y-20 किलोमीटर इतना डिस्टेंस अभी उसको कवर करना है. फिर से समझ लेते हैं पूरा क्वेश्चन हम. अ बस ट्रैवल एट 5 किलोमीटर पर आवर. बस है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मूव कर रही है. It is going from Daspur to Bispur. बस है वो दासपुर से बीसपुर जा रही है. After the bus has traveled 5 hours, 5 घंटे बस चलने के बाद भी बीसपुर is still 20 किलोमीटर away. बीसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है. तो हमें यहाँ पर distance find करना है. दासपुर से बीसपुर जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. तो हमने यहाँ देखा कि 5 किलोमीटर पर आवर बस ट्रैवल हो रही है. ये स्पीड से ये बस की एवरेज दी हुई है. बस ट्रैवल 5 आवर्स, दैट मीन्स 5 into 1. अब बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे. 5 आवर चलने के बाद भी बस 20 किलोमीटर दूर है. तो उसके लिए क्या इक्वेशन बनाएंगे हम, 5y-20. तो हमारा आंसर है 5y-20. ओके, तो अब यहाँ पर इस टाइप के सम्स जो ABCDE की जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए थे, इक्वेशन बनाने थे, उस तरह के कंप्लीट हुए. ओके, अब हम नेक्स्ट सम कर रहे हैं.
number 2, exercise number 2. Change the following statement using expressions into statement in ordinary language. यहाँ पर हमें जो information दी है उसको use करके हमें statement बनाना है ordinary language में. मतलब अभी तक हमने जो किया उससे opposite करना है. अभी तक हमें statement दिया था, equation बनाना था. अब हमें ये equation का form दिया हुआ है, ठीक है. दो चीज़ें दी हैं कि notebook और book. तो next period में हम इसी method के sums आगे करेंगे. ये पूरा डिटेल में हम एक्सप्लेन करके इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे. ओके.